العبدل المؤيدت رسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبيب الهي العالمين خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين على سيد المطهر امام المظفر شجاع القدم فر ابي شفر وشفر بالبريه ليس بني والد مظهر العجائب ومظهر الفرائض مفكر والمناقب امام المشاريخ والمغارب الذي ذكره فرد على عازف والغايه في الغايه حق بالحق ابي الحسنين لابن ابي طالب. وعلى صاحب الدعوه النبويه وصوله الحيدريه والعصمه الفاطميه والعلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباد السجاديه والمعاصر الباقريه والعلوم الكاظميه والوجد الرزقيه والوجود التقويه والنحاوه النفويه والعيبه الاسبريه مولانا مولى الثقلين جد الاسد والحسين ابي القاسم من يومنا هذا الى قيام يوم الدين اما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم ان الدين عند الله الاسلام जनाब अब्बास के मातमदार रिदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सुरवा शुक्र है कायनात के अमीर अल मोमिनीन का शुक्र है मानाए गुल का शुक्र है महबर दिल का शुक्र है बादशाह हक का शुक्र है नब्बाद शरा का शुक्र है मौलिस अखलाक का शुक्र है ज़ौजे रुतूल का शुक्र है दामाद रसूल का शुक्र है खतीब मिंबर सलोनी का शुक्र है फसाहत बलागत के मालिक का शुक्र है आसमान के बनाने वाले का शुक्र है ज़मीन के बना देने वाले का शुक्र है दरियाओं में रवानी देने वाले का शुक्र है कलियों में चटक देने वाले का शुक्र है फिजा में धटक पैदा करने वाले का शुक्र है हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को डालकर हमें बेताज बादशाह बना देने वाले का कि उस कायनात के अमीर ने हमें फिर एक बार उन अमीरों के साथ बैठने का मौका फराहम अता किया जो तारीख गवाह है कि ये खुद भी अमीर हैं अपने चाहने वालों को भी अमीर बना देते हैं। ये करम है कायनात के अमीर का कि फिर एक बार उस कायनात के अमीर ने हमें उन अमीरों के साथ बैठने का मौका फराहम अता किया कि जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन के ही अमीर नहीं हैं आसिफ भाई सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन के ही अमीर नहीं हैं बल्कि अर्श के भी अमीर हैं और फर्श के भी अमीर हैं। या तो जुमले को पलट कर यूँ कहूँ कि शुक्र है कायनात के परवरदिगार आलम का वो परवरदिगार आलम जो हमारी रगो जान से करीब है वो परवरदिगार आलम जिसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया उसका शुक्र है कि उसने फिर से एक बार हमें जन्नत में बैठने का मौका अता किया। ये शुक्र है उसका कि उसने फिर से हमें एक बार जन्नत में बैठने का मौका अता किया। बस भाई मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जन्नत में बैठने का मौका अता किया कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये खड़ा हो के कह दे कि मौलाना ये तो फर्श अज़ा है ये जन्नत कैसे हो सकती है। तो मैं दलील के बग़ैर कोई बात नहीं करता पता नहीं आप कहाँ होंगे मैं किसी मंजिल पे लेके जाना चाह रहा हूँ क्योंकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक तमीन बनाऊँ। आप में से कोई ये न कह दे कि ये जन्नत में बैठने का मौका है ये जन्नत है ये जन्नत नहीं है ये जन्नत नहीं है ये पंखे भी हैं ये बिजलियाँ भी हैं ये लाइट भी है ये चलते हुए पंखे भी हैं ये
बामो दीवार भी है, ये जन्नत कैसे है? तो मैं दलील दे रहा हूं, बलंद तरीन नारा है, सलवार पढ़िए। कमेटी तक आवाज पहुंच रही हो तो बराए करम लाइट जलवा दीजिए, पब्लिक कह रही है क्योंकि अंधेरा हो गया है। एक और बुलंद तरीन सलवार पढ़िए। बहरहाल कोई बात नहीं है, अगर आप तवज्जो रहेंगे तो इंशाल्लाह जो मजमा इधर उधर है वो भी देखिएगा कि कितना भी आ जाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपके सामने कि आप ये कहेंगे कि ये जन्नत कैसे है। एक दिन किताब का नाम सही मुस्लिम, सफ़ा नंबर 202, लाइन नंबर 6, अगर किताब में ना हो तो खुदा की कसम मैं सही मुस्लिम नहीं। और किताब में हो और कोई बंदा ना माने तो वो सही मुस्लिम नहीं। मैं बात पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये किताब में छुपी नहीं है, किताब में छपी है। ये छुपी नहीं है, किताब में छपी हुई है। फरमाया रसूल खुदा ने एक दिन, सलमान तुम और फिज़ा वो हो कि जिसकी जन्नत मुश्ताक है। सलमान खुशी के मारे दौड़े दौड़े एक मरतबा दहलीज फिज़ा पे आए और आने के बाद कहा, फिज़ा तुम्हें जन्नत में जाना मुबारक हो। का किसने का? कायनात के रसूल ने आवाज़ दिया, सुल्तानों के सुल्तान ने आवाज़ दिया है कि फिज़ा और सलमान वो हैं जिन्हें जन्नत मुश्ताक है। एक मरतबा फिज़ा ने मुस्कुरा के कहा, सलमान होश में रह के फिज़ा से बात करना, जन्नत में तुम जाने की तमन्ना रखना, फिज़ा रहती ही जन्नत में है। हाँ, थोड़ा सा बेदार हो जाए जियो। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता, हमें हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता, वो जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, कमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। आप पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से बेदार हैं। और अब देखिए, अब मजमा भी आ रहा है और हमारे कैमरामैन भाई कैमरा फोटो खींच रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, काश ये कैमरा गदीर में भी होता। हाय हाय हाय, काश ये कैमरा गदीर में भी होता। कैमरामैन भाई ने बात याद दिला दी है, अमेरिका एक कैमरा बना रहा है, बहुत जल्दी जल्दी खींचे क्योंकि पेपर में एक ही आनी है। अमेरिका एक कैमरा बना रहा है जिस कैमरे की आसिफ भाई खासियत ये है कि 1400 साल पुराने जितने भी चेहरे जमीन पे आ गए हैं उन सबको जाहिर कर देगा। आप पता नहीं कहाँ होंगे, किस मेराज पे होंगे, 1400 साल पहले जितने भी चेहरे जमीन पे आए हैं उन्हें वो आश्कार कर देगा। मुझसे साहब कहने लगे, लिए अब्बास छपरवी साहब देखो अमेरिका एक कैमरा बना रहा है, आप तो जालिम के खिलाफ रहते। हमने कहा है, मगर अल्लाह करे अमरीका ये कैमरा बना ले। हाय 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 हाय, अल्लाह करे अमेरिका ये कैमरा बना ले, पता नहीं आप कहाँ होंगे, अल्लाह करे अमेरिका ये कैमरा बना ले। कहने लगे, क्यों, आप तो जालिम के खिलाफ रहते। हमने कहा हमेशा रहे हैं, मगर अल्लाह करे अमेरिका ये कैमरा बना ले। हमने कहा क्यों, कहा हम जैसे जाकिरों का वक्त बचेगा, जब कैमरा बन जाएगा तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी कि खैबर में अलम छोड़ के भागने वाला कौन है। अरे क्या पढ़ रहा हूं, वालों के लिए नजर कर रहा हूं और बाहर वालों के लिए वो जल्दी से आ जाए ताकि मैं बात आप तक पहुंचा दूं। कैमरामैन भाई सुनते हुए जाना कि अमेरिका एक ऐसा कैमरा बना रहा है जो 1400 साल पुराने चेहरे को आश्कार कर देगा, तो अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि खैबर में अलम छोड़ के भागने वाला कौन था, फतह खैबर कौन था, अरे कहां है तारीख का मुंहचोर मोल्ला। अरे अब हमें पढ़ने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, गार में रोने वाला कौन था, बिस्तर पे सोने वाला कौन था।
अलीम आला मिल के बोलो लिल्ला अलीम अली पूरा पंडाल बोल दे अलीम अलीम पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी सिमला रोशन भाई कलम छोड़ के भागने वाला कौन था क्योंकि कैमरे का कमाल होगा कि वो दिखा देगा तो जब दिखा देगा तो अब हमें पढ़ने की जरूरत तो होगी नहीं ये वक्त बचेगा ये कैमरे का कमाल है खुदा की कसम कब फिर ये है जन्नत चचा सलमान आपको मुबारक हो आप जन्नत में जाएंगे मैं रहती ही जन्नत में हूँ फिजा क्या कह रही है तू कोई ऐसी वैसी कनीज नहीं है तू ताहिरा की कनीज है तू सकिया की कनीज है तू बुतूल की कनीज है तू फातिमा की कनीज है फिजा तू झूठ नहीं बोल सकती कहना क्या चाहती है जन्नत क्या है का तुझे पता नहीं है जहाँ एक वक्त में हसन हो अरे कहाँ हैं आप ईमान तोल रहा हूँ अगर ईमान मिले तो हाथ उठा देना नहीं ईमान हो तो यहीं बैठ जाना मैं किसी और को आगे लेके आगे बढ़ जाऊंगा मगर ईमान मिले तो हाथ जरूर उठा देना का फिजा ने कहा जा फिजा ने कहा जहाँ एक वक्त में हसन भी हो चाहे एक वक्त में हुसैन हो चाहे एक वक्त में मोहम्मद अरबी हो चाहे एक वक्त में अली हो चाहे एक वक्त में बुतूल हो फिजा तेरा सलाम हो तूने जन्नत का नमूना बता दिया अब तो कहने का हक है हमने फर्श बिठाया हसन भी आ गए हुसैन भी आ गए यार देखिए इतना जोर से बोलिए कि कब्र में सोई हुई बनी उमैया और बनी अब्बास की लाशें तड़प जाए नारे हैदरी हैदरी तो अब ये जन्नत है ओए कहां पढूं फिजा तुमने हम गरीबों को नमूना अमल बता दिया वरना ये गरीब किस अमीर के पहलू में बैठते जहां हसन हो मैं ये नहीं कहूंगा समझिए मैं ये नहीं कहूंगा तवज्जो कीजिए क्योंकि आप ही वो कौम है जो जिंदगी में भी समझते हैं मर जाने के बाद भी समझती है अरे क्या पढ़ रहा हूं मैं आप ही वो कौम है जो जिंदगी में भी समझते हैं मर जाने के बाद आपका इमाम कहता है इस्मा इफ़ाम सुन और समझ मैं नहीं कहूंगा खुदा की कसम के सुनिए और समझिए देखिए मेरा मजमा मेरे सामने है और इंशाल्लाह जब आप उठेंगे मैं ये नहीं कहता कि आज की यादगार क्योंकि मैं हिंदुस्तान का सबसे छोटा खतीब हूं और सबसे जाहिल खतीब हूं क्योंकि ये फर्श अदा का कमाल है कल मैंने पढ़ा था कि यहां अंगूठा छाप तो मिल जाएगा मगर जाहिल नहीं मिलेगा अरे मैं कुछ पढ़ रहा हूं यहां अंगूठा छाप तो आपको मिलेगा मगर जाहिल नहीं मिलेगा अंगूठा छाप क्या है का जाहिल क्या है का हम ये समझते थे कि जो ग्रेजुएशन कर जाए वो है आलिम लेकिन अंगूठा छाप किसे कहते हैं जो अनपढ़ हो मगर दोनों के माना लोग सेम समझते थे हमने कायनात के अमीर से पूछा ए माना ए कुन ए महबारे दिल ए बादशाह हक ए नपादे शरा ए मोरी से अफलाक ए सौजे बुदूल ए दामादे रसूल ए खतीबे मिम्बरे सलूनी ए फतात व बलागत के मालिक ए आदम की दुआ पूरी कराने वाले ए नूह की कश्ती को चुटकी से पार लगा देने वाले ए याकूब के अंधे कुएं में जश्न चरागा फरमा देने वाले ए यूसुफ को उत जमाल अता कर देने वाले ए ईसा को मुर्दों का जिंदों का हुनर करने का सलीका बना देने वाले ए आसमान के बना देने वाले ए जमीन के बना देने वाले कायनात के अली इतना बता दो कि जाहिल किसे कहते हैं हम ये समझते थे जो कॉलेज ना गया हो जो स्कूल ना गया हो जो मकतब ना गया हो जिनने ग्रेजुएशन ना किया हो अली ने फरमाया हदीस पढ़ रहा हूं आप खड़े होकर दाद देंगे अली ने फरमाया जाहिल वो नहीं होता जो कॉलेज ना गया हो का कौन का जाहिल वो होता है जिसे अपने जमाने के इमाम की मारफत ना क्या पढ़ रहा हूं हैदर
बोल दो हलीम हलीम सही पढ़ रहे हो अली अली ये वाला मोहल्ला बोल दे अलीम अलीम अली बोल दीजिए बिजली वालों से बोल दो कि भाई बिजली जला दे लाइट जला दे अलीम किसी ने अल्लामा इस्माइल देवबंदी से सवाल किया। इस्माइल साहब ने कहा क्यों नहीं आते मजलिस में, क्यों नहीं आते महफिल में। उन्होंने कहा साहब क्या बताऊं, एक पढ़े लिखे होते हैं आसिफ भाई, ये कुछ पढ़े लिखे होते हैं। एक पढ़े लिखे होते हैं, एक कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें दिखाने का बहुत शौक होता है कि हम समाज में पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं। कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात हो गई तो वो कहने लगे साहब आप मजलिस में क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा मैं क्या हूं मजलिस में, कुछ बेतुके लोग बैठ जाते हैं, इधर जाकिर नुक्ता पढ़ता है, लोग हैदर हैदर अली 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 करने लगते हैं। ये इतना अली अली करते हैं कि समझने वालों को समझने ही नहीं देते। जो समझ में आ जाए वो अली कहां रहा। ये अली अली इतना करते हैं कि समझदारों को समझने नहीं देते, ये अली के नाम में बेहोश हो जाते हैं। एक मर्तबा अल्लामा ने सर पे हाथ मार के कहा का रोना तो इसी बात का है कि ये बेहोश होके अली को ना भूले, तुम होश में रह के अली को। जियो हैदरी। अली भाई रोना इसी बात का है कि ये बेहोश रह के अली को ना भूले, तुम होश में रह के अली को भूल गए। जो भूल गया खुदा की कसम वो मौत के करीब पहुंच गया, क्योंकि जिंदगी यही दिया करते हैं, अता यही किया करते हैं। खुदा की कसम दुश्मन हर जमाने में इनके खिलाफ रहा है, चाहे दौर किसी का भी हो। और आज सऊदी अरब के कब्रिस्तान से भी एक दुश्मन उठा है। अरे मैंने आसमान तो जोगी पूरा है, मैंने कब्रिस्तान कहा है, सऊदी अरब के भी कब्रिस्तान से एक उठा है। और वो कह रहा है कि इमाम आएंगे, ईरान आने का इंतजार करे, हम लड़ने का इंतजार कर रहे हैं। खुदा की कसम नाम बदले हैं, शजरे नहीं बदले हैं। पता नहीं आप कहाँ होंगे, नाम बदले हैं, शजरे नहीं बदले हैं। हाय 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 जियो हैदरी। अभी आप किस मेराज पे होंगे मुझे भी नहीं पता, मैंने तर्जुमा भी नहीं किया, तर्जुमा नहीं किया अभी मैंने। मैं एक जुमले के बाद तर्जुमा बहुत जल्दी से आगे गुजर रहा हूँ। वो कहता है कि ईरान आने का इंतजार करे, हम लड़ने का इंतजार कर रहे। भैया चेहरे बदले हैं, माँ की खता नहीं बदली। अब पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, ये वही लोग इमाम के खिलाफ हो रहे हैं कि जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकाले जाते हो। ये वही लोग हैं जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकाले जाते हैं। हाय 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 हाय। जालिम के खिलाफ बोलना हक है। ये वही लोग हैं जिनके बाप के नाम। ये मेरा पीछे वाला मोहल्ला बहुत खामोश है। ये वही लोग हैं जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकाले जाते हैं, जिनके बाप का पता नहीं है। अली की मोहब्बत के लिए माँ का नेक होना, बाप का एक होना बहुत जरूरी है। ये वही लोग हैं, जुमले में आप पता नहीं कहाँ होंगे, कहाँ आने का करे। इमाम तो आना दूर की बात है, पहले नायब इमाम से उलझ लो। हाय 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 हाय। अरे पहले नायब इमाम से उलझ लो।
हमने देखा कि अमेरिका बम पे बम फेंक रहा है, किसी ने हमारे मिल्लत के खामनाई से कहा सरकार बम आ रहे हैं, बारूद आ रहे हैं, मिसाइलें आ रही हैं, तोपें आ रही हैं, मगर उसने कुछ ना किया, ये ना कहा तोप के मुकाबले में तोप लाओ, बम के मुकाबले में बम लाओ। उधर से तोप आते रहे, एक हाथ तस्बीह पे गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मैं कहना चाहता हूँ भैया, जब तुम नायबे इमाम की तस्बीह ना बर्दाश्त कर सके, इमाम के आने की सुन्नत क्या बता? जितनी कोशिश कर ले मैं आवाज पहुंचा दूंगा। मिनट ना जोड़ियो, ये वाले लाइट चले गए, मिनट ना जोड़ियो। या हैदरी, हैदरी, हैदरी,
छोड़ो ना अबे वहां आओ हम तुम्हें दिखाते हैं हसन नसुल्ला का चेहरा। आओ 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 तो हर मुफ्ती दीन के बिदत के फतवे आओ हम तुम्हें दिखाते हैं हसन नसुल्ला का चेहरा। आओ दिखाते हजबुल्ला की टीम। नसरुल्ला ने कहा मैं नहीं कहता कि सारे लोग मेरी मदद को हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे आतंकवादी एक बार में सीरिया आ जाए। हाय 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 हाय। अब आप पता नहीं कहां होंगे, अगर हमने उनकी खैबर याद ना दिला दिया और उन्हें खंदक याद ना दिला दिया तो नसरुल्ला ना कहना। नसरुल्ला ने दो जुमले इस्तेमाल किए, एक खैबर के लिए कहा हाय हाय हाय, एक खंदक के लिए कहा। खैबर में लोग भागे भागे, भागने का आलम ये के घोड़े आगे ये पीछे, कभी ये हो पीछे होते थे घोड़े आगे, कभी ये आगे होते थे घोड़ा पीछे, दोनों किस्मों में ये आते थे। खंदक में क्यों कहा, क्योंकि नबी ने कहा कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाएगा। हायरे फसाहत हायरे बलागत दोनों याद दिला दिया। कहा खैबर भी याद दिला देंगे। कलीम भाई एक क़िबला की आमद एक बलंतरीन सलवात पढ़िए। एक और सलवात पढ़िए भाई। 15 मिनट हुआ है अभी, 15 मिनट हुआ है। वक्त नहीं है क़िबला है। मैं मसाया पे आ रहा हूँ बहुत जल्दी। मैंने तर्जुमा भी अभी नहीं किया है, कभी अब मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह अर्ज करूँगा। एक बार मिल के बोल दो हैदरी हैदरी। जी उस्ताद भी दाद देंगे अभी। का अगर अब की हमला हुआ अबू बकर अल बगदादी, अबू बकर मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, अल बगदादी बगदाद वाला अबू बकर, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, बगदाद वाला अबू बकर। नसुल्ला ने कहा ठीक है अब की हमला हुआ तो हम बताते हैं। उसने कहा नसुल्ला भगा देंगे, हम बम लेकर आएंगे। नसुल्ला ने कहा अगर तुम बम लेकर आओगे तो शिया हजरत अब्बास का आलम लेकर आएंगे। बम आया तो हम अलम लेकर आएंगे, और शायद इसीलिए अलम इस्लाम से मंसूर। क्या कहा, इन दीन इंदा लाहिल इस्लाम, पसंदीदा दीन जो है वो दीन इस्लाम है। बहुत जल्दी पढ़ रहा हूं वरना मैं अशरा पढ़ देता इसमें। दीन है, आपके यहां पढ़ दूंगा अगली बार। दीन है, क्या है दीन का, मुझे पसंद है तो दीन पसंद है, अगर मुझे पसंद है तो दीन पसंद है। कहा है बिदअत दीन का मुल्ला, अल्लाह कह रहा है मुझे दीन पसंद है, मुझे दीन पसंद है। पूछा किससे जाए, मेरी बात कोई नहीं मानेगा, क़िबला हसन अख्तर की बात पूरी दुनिया ना मानेगी, आसिफ बिजनौरी की बात पुलिस वाले मान लेंगे, थोड़ा बहुत बिजनौर वाले मान लेंगे, अली अब्बास भाई की बात मुजफ्फरपुर वाले मान लेंगे, दीगर वाले लोगों की बात थोड़ा मान लेगा, मगर पूछा किससे जाए। का उससे पूछा पूरी दुनिया मानती हो, हम ख्वाजा के मजार पे पहुंचे, ख्वाजा तू बता। ख्वाजा ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, दीन आस्ते उसे। हुसैन दीन है, शास्त हुसैन, मिलके बोल दो शास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन। तो हुसैन दीन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 शाबान से पहले जिसका नाम इस्लाम था,
तीन शाबान से पहले जिसका नाम इस्लाम था, तीन शाबान के बाद उसी का नाम हुसैन हो गया। तो जब नमाज है क्या? दिल से। रोजा, हज, जिहाद, खुम्स, तवल्ला, तबर्रा, हर चीज दिल से। नमाज दिन से, रोजा दिन से, हज दिन से। तो अब जब हुसैन दीन है, अकीदे से जुड़ना, जब हुसैन दीन है तो कमा हुसैन का नहीं दीन का, मजलिस हुसैन का नहीं दीन का, अलम हुसैन का नहीं दीन का, ताजिया हुसैन का नहीं दीन का। अगर हुसैन दीन है तो फिर है, अगर हुसैन दीन नहीं है तो मैं नहीं जानता। डॉक्टर जाकिर खलनायक कहता है, बुग़्ज़े अली का डॉक्टर, हर दुश्मन अहले बैत या तो काला है बहुत ज़्यादा या तो काना है। रूहानी तौर पर मैंने बहुत चेहरे देखे हैं, या तो यूं है या तो खब्बीस है। नेट पे सर्च कर लीजिएगा, बड़े बड़े मिलेंगे, देखिएगा, काने भी होंगे और बहुत मनहूस होंगे। वो कहता है मनहूस के कमा करना हराम है, मातम करना हराम है, आया है हमको खून के मातम से रोकने, चल हट के फातिमा को सुबह दे चुके हैं हम। हुसैन है दी, वक्त नहीं है, मैं आ रहा हूं मसायब पे। हुसैन नहीं, नहीं नहीं, दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि शहजादी ने बताया है जो हक मार गया वो हम में से का हुआ। क़िबला, मैं आपकी पेशानी कर रहा था। तो हुसैन है दीन, एक बार फिर से बोल दो, शास्त्र हुसैन, दीनस्त हुसैन। हुसैन शाह है, मेरा हुसैन दीन है। ख्वाजा यहां पे खामोश ना हुए, का दीनस्त हुसैन। अब कुछ लोग ये समझते हैं, जब से हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अजमेर वाले तो ये समझने लगे कि ख्वाजा ने हुसैन को बढ़ा दिया। हाय हाय हाय, ख्वाजा ने आसिफ जलाल साहब हुसैन को बढ़ा दिया, माफ़ कीजिएगा। जब से ख्वाजा ने ये कहा नहीं था, पड़ोसी भी नहीं जानते थे कि ख्वाजा है कौन। हाय 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 हाय, मैं मिसरे पढ़ूंगा, खड़े होके दाद चाहिए इन मिसरों पर। पड़ोसी भी नहीं जानता था ख्वाजा है कौन। हमने कहा याद रखना, ख्वाजा को होना क्या पसंद है। शहर अजमेर से ख्वाजा ये सदा देते हैं, शाह का मद्दा गुलाम है, शह अबरार हूँ मैं, सोच के आना मुसलमानों, ये चौखट पे मेरी औलिया बाद में हूँ, पहले अदादार हूँ मैं। अरे क्या बताऊँ, सर उठा के चलती हैं, उनके वालिदैन सर झुका के चलते हैं। हाय 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 हाय, मैं मौला का जुमला पढ़ रहा हूँ। मौला ने फरमाया, जिनके घर की बेटियां सर उठा के चलती हैं, उनके वालिदैन सर झुका के चलते हैं, और जिनके घर की बेटियां सर उठा के चलती हैं, उनके वालिदैन सर झुका के चलते हैं। ये मौला का जुमला था, सासी जुमला था, सिर्फ रब्ते मसायब से जोड़ने के लिए। सलीम भाई सही पढ़ रहे हो? मौला की हदीस है, खुदा की कसम दामने वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वरना मैं इससे आगे, क्योंकि मैं क़िबला हसन अख्तर साहब की पेशानी कर रहा था। हुसैन दीन है, अगर अल्लाह को पसंद है तो दीन पसंद है।
एक मामले में तो हम खुदा के पसंदीदे में बराबर हो गए, खुदा को दीन पसंद, हमें हुसैन पसंद। खुदा को दीन पसंद, हमें हुसैन पसंद। हुसैन सैयद अबरार, हुसैन रहबर अहरार, हुसैन हादिम अशरार, हुसैन कातिल कुफार, हुसैन यमू हैवा, हुसैन मस्जिद खुनका, हुसैन जाने बुतूल, हुसैन कायनात की शान, हुसैन इस्लाम की वफा, हुसैन यजीद को मारने वाला, हुसैन यजीदियत को मारने वाला, हुसैन करबला फतह करने वाला, हुसैन शान इस्लाम, हुसैन शान बुतूल, हुसैन शान इस्लाम, हुसैन शान नमाज, हुसैन कज़ा इस्लाम। कज़ा है हुसैन जो दुश्मन अहले बैत है। आ गया मैं रब्ते मसायब, जिसका इस्लाम होता है वही दीन बचाने चलता है। यजीद हलाले मोहम्मदी को हराम कर रहा था, यजीद को जिंदाबाद कहने वालों समझ जाओ, यजीद क्या उसका बाप भी जन्नत में ना जाएगा, तुम्हें कहाँ ले जाएगा? रजी अल्लाह कह कह के घूमने वालों, जहन्नम है ही यजीद के आबा व अजदाद के लिए। आज कुछ लोग हमारे लिबादे में भी यजीद का किरदार लेकर आ गए हैं। वक्त नहीं है वरना मैं पढ़ता, मौजू बहुत खुलता जा रहा है। कभी वक्त मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बरादर अजीज का, कितना अच्छा वक्त मुझे दिया। मैं अर्ज ये करता हूँ, जिसका दीन था वो आगे बढ़ा। हुसैन ने अब्दुल्ला को बुलाया, अब्दुल्ला हम मदीना छोड़ रहे हैं। कहा क्या यजीद रहने नहीं देता? अगर रहने नहीं देता तो मुझे एक तलवार दो, मेरे अब्बास को एक तलवार दो, कल शाम से अगर शाम तक खबर ना जाए कि यजीद वासीले जहन्नम हो गए तो मुझे दाफरे तैयार के घराने का ना कहना। अब्दुल्ला बात ये नहीं है, हम इस्लाम बचाने जा रहे हैं। एक मतलब अब्दुल्ला ने कहा मैंने सुना है घर के लोग जा रहे हैं। कहाँ का मौला नाम बताओ? अब्दुल्ला मर्दों में बताओ या औरतों में बताओ? अब्दुल्ला पहले मर्दों में बताओ। अब्दुल्ला ने कहा मौला पहले मर्दों में बताओ। अब्दुल्ला सुनो, हुसैन इब्ने अली, अब्बास इब्ने अली, असगर इब्ने हुसैन, अब्बास इब्ने अली, कासिम इब्ने हसन, अली अकबर इब्ने हुसैन, हुसैन ने सबका नाम बताया, मौला औरतों में नाम बता दो। एक मरतबा फरमाने लगे सकीना बिनतुल हुसैन। अदादारों जब सबके नाम आने लगे ना, एक मरतबा अब्दुल्ला शुक्र है परवरदिगार, शुक्र है परवरदिगार। एक मरतबा हुसैन के लब से आवाज़ आई ज़ैनब बिनते अली। अरे जैसे ही ज़ैनब का नाम आया अब्दुल्ला गश में आ गए। अब्बास व अकबर ने उठा के अब्दुल्ला के घर पहुँचाया। एक मरतबा अली की बेटी रात को हुसैन के पास आई। आने के बाद कहने लगी भैया मैंने सुना है तुम मदीना छोड़ रहे हो। कहाँ ज़ैनब मदीना छोड़े, पता नहीं आप कहाँ मारोगे। अदादारो एक मरतबा ज़ैनब फरमाती है भैया ज़ैनब जाएगी ना, भैया ज़ैनब जाएगी ना। भैया तू तो जानता है ज़ैनब तेरे बगैर नहीं रह सकती, तू ज़ैनब के बगैर नहीं रह सकता। अगर मेरे भैया अगर तू ना ले गया ना तो याद रखना, एक दरवाजे से मेरे भैया का रहवार निकलेगा, दूसरे दरवाजे से ज़ैनब का जनाजा। हो किसी के कलेजे में पत्थर तो वो मातम ना करे, तो हाथ गुर्बत के सर पे मार लेना दादारो। पता नहीं कौन इस दुनिया से चला जाए, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए। सबसे अच्छी मौत ये होगी कि मैं पढ़ते पढ़ते ये मसाया मर जाऊँ। मेरे दूर तक खड़े रहने वालों मेरे भाइयों, तो हाथ हुसैन की बेबसी पे कलेजे पे मार लेना। एक मरतबा तारीफ बताती है, एक मरतबा हुसैन कहते हैं ज़ैनब मैं जानता हूँ तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तेरा भैया इमाम है, तेरा शौहर अब्दुल्ला बीमार है, जाके इजाजत ले ले। अली की दिलशेर बेटी ने बुरखा निकाला, या अली कह के घर से बाहर निकली। अब्दुल्ला गश में थे, पहली बार जाफर तैयार की हवेली में अली की बेटी जमीन पे बैठी। बैठने के बाद रोने लगी, जैसे ही अब्दुल्ला की आँख खुली क्या देखा, अली की बेटी तुराब पे बैठी है। एक मरतबा सर पे हाथ मार के कहा ज़ैनब मैं गरीब घराने का नहीं हूँ, मैं मिल चाहिए मैं मिल ले जा, ऊँट चाहिए ऊँट ले जा, ऑन चाहिए ऑन ले जा, मोहम्मद चाहिए मोहम्मद ले जा। ज़ैनब जमीन पे ना बैठ, कहीं ऐसा ना हो अली की बेटी जमीन पे बैठी हो, ज़ैनब को लेने के लिए अब्बास आ जा। ऐसा ना हो, जज़ाकुमुल्लाह 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 जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे। दो अश्क दो अश्क दो हाथ मातम कर लेना, फरमाया अच्छा दो हाथ मातम कर लेना हुसैन की बेबसी पे, एक मिनट में मिंबर छोड़ रहा हूँ।
एक मतलब अब्दुल्ला ने कहा जैनब इजाजत लेने आई हो। जब मैंने इजाजत दे दिया जैनब ने सर पे हाथ मार के कहा अब्दुल्ला मैंने तो कहा ही नहीं है कि इजाजत दो। अब्दुल्ला ने कलेजे पे हाथ मार के कहा जैनब जमीन पे बैठना बताता है तू गरीब हो गई। हाँ हाँ जैनब जमीन पे बैठना बताता है गरीब हो गई। एक मरतबा हुस्न का बादशाह अकबर आए, आने के बाद कहने लगे फूफा जाने की इजाज़त दो। एक मरतबा आखिरी जुमला सुन लेना मारते हुए उठोगे, फूफा ले जाने की इजाज़त दे दो। एक मरतबा इमाम ने फरमाया सारे हाशमी जैनब को लेने के लिए आओ। अदादारो तारीफ बताती है हुसैन ने सबका हाथ पकड़ा, अब्बास अकबर को लिया, अब्दुल्ला को सलाम किया, अब्दुल्ला लो हम 18 बनी हाशिम लेके आ गए, अब जैनब को जाने की इजाजत दो। अब्दुल्ला उठे, एक हाथ सर पे रखा, दूसरा हाथ जैनब के सर पे रखा। अब्दुल्ला इमाम बन के वादा करो जितने हाशमी जैनब को लेने आए हो उतने हाशमी छोड़ने आओगे। अरे इतना सुनना था, इमाम ने हाथ छोड़ा, पहलू ने खैमा गए, अब्बास बाहर आ जा और बाहर आ जा अकेला सज्जा। हुसैन ने कान में झुकेगा बेटा अब्दुल्ला की शर्त है जो ले